यहाँ पर जो प्राचीन भैरव बाबा मंदिर है वो यहाँ पर उपस्थित है। जो माता रानी है माता भद्रकाली जी, उनका दर्शन करने के बाद जो विशेष रह जाती है वो भैरव बाबा है, उनका दर्शन करना अनिवार्य होता है। वो उनके दर्शन भी आपको करा दिया, देख सकते हैं आप, ये भी प्राचीन है। इनके दर्शन के बगैर माता रानी का दर्शन या फल प्राप्त करना अधूरा रहता है, ये मानना है। तो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। देख सकते हैं यहाँ पर बैठकर लोग प्रसाद वगैरह प्राप्त करते हैं। और तो अभी देख सकते हैं साईं बाबा और माता सरस्वती के दर्शन प्राप्त करते हैं लोग। अब आते हैं हम लोग शिव परिवार में, अब उनका दर्शन करते हैं। देख सकते हैं माता शिव, माता पार्वती, शिव जी और गणेश महाराज जी बैठे हुए हैं, उनका परिवार बैठा हुआ है, देख सकते हैं, थोड़ा करीब से देख सकते हैं हम लोग शिव परिवार, निवास शिव परिवार देख सकते हैं यहाँ पर। थोड़ा करीब से दिखा रहे हैं आपको, दर्शन कर लीजिए। महादेव पार्वती मंदिर शिव जी का, शिवलिंग देख सकते हैं आप। यहाँ पर उपस्थित हैं भगवान कृष्ण और बराबर में राधा रानी, दोनों का आशीर्वाद प्राप्त करें। देख सकते हैं प्रतिमा भी बहुत ही सुंदर और मनभावक है। अच्छा, तो अभी आप देख सकते हैं ये हवन कुंड है, यहाँ पर जो पूजा शुरू होती है तो हवन कुंड यहाँ पर हवन किया जाता है। हवन कुंड को देख सकते हैं आप। अब माँ शेरावाली के दर्शन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं माँ वैष्णो मंदिर, उनका दर्शन आशीष प्राप्त करते हैं। थोड़ा करीब से दिखाता हूँ, देख सकते हैं माता रानी का। तो मित्र देख सकते हैं पूरे मंदिर का मैंने भ्रमण किया, आपको दिखाया, दर्शन कराया। अब पूरा मंदिर की जो परिक्रमा है, यहाँ से जो परिक्रमा होती है यहाँ से करते हुए चलते हैं लोग बाग, और पूरे मंदिर का जो दर्शन है और परिक्रमा करते हैं, उसके बाद यहाँ से प्रसाद प्राप्त करते हैं। और यहाँ पे जो महाराज जी हैं उनका भी आशीर्वाद और प्रसाद हम ले लेते हैं। मित्रों अब हम पहुँच चुके हैं महाराज जी के पास, जो कि इस मंदिर के माता जी के जो प्रसाद और जो पूजा अर्चना करते हैं उनके पास, उनका भी आशीर्वाद ले लेते हैं और इनके इनसे भी थोड़ा सा हम जानकारी ले लेते हैं, ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तो महाराज जी प्रणाम। तो महाराज जी से हम जानकारी लेते हैं। महाराज जी आपका थोड़ा सा परिचय दीजिए, आपका नाम जी। तो आप यहाँ पर कब से हैं? काफ़ी समय से। तो ये जो मंदिर है आपको तो सब कुछ पता होगा यहाँ मंदिर के बारे में, माता जी की जो कृपा है, जैसा कि इन लोगों ने भी बताया, जो मंदिर के अध्यक्ष और कमेटी वगैरह जो भी सब बता चुके हैं, और आपसे भी थोड़ा सा बता दीजिए जो माता की लीला वगैरह है, थोड़ा सा हमें और जानकारी। यहाँ पर पहले हमारे दादा गुरु चंदेश्वर जी रहते थे, फिर उनके बाद में उनके शिष्य बैरागपुरी जी रहते
रहते हैं, फिर उनके बाद में गड़बड़पुरी महाराज जी थे, उनके पीछे हम हैं, चौथी पीढ़ी हिमाचल। अच्छा, तो ये आपकी चौथी पीढ़ी है जो आपके रूप में यहाँ पे उपस्थित है। अच्छा, तो लगातार आप लोग यहाँ पे माता रानी की सेवा प्राप्त कर रहे हैं और उनकी सेवा कर रहे हैं और उनकी पूजा अर्चना यहाँ पर आप करते हैं। तो यहाँ पर ही आप पूरा मतलब 24 घंटे यहीं रहते हैं, मंदिर पे ही आप ही रहते हैं। अच्छा, तो माता रानी का कृपा आपके ऊपर भरपूर है। अच्छा, यहाँ पर जो मंदिर परिसर में जो हमारे महाराज जी हैं उनसे संपर्क किया, उन्होंने जो मंदिर के बारे में बताया माता रानी के, उनकी ये जो चौथी पीढ़ी हैं यहाँ पर सेवा करते हुए, और इनसे अभी हम थोड़ा प्रसाद और आशीर्वाद और ले लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं मित्रों। तो महाराज जी से हम जो है प्रसाद प्राप्त करते हैं और इनका आशीर्वाद ले लेते हैं। तो मित्रों अभी हम आगे बढ़ते हैं, हवन कुंड है उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं हवन कुंड, यहाँ पे हवन किया जाता है, देख सकते हैं उसकी जो यहाँ पे निशान है वो आपको देख सकते हैं, जो यहाँ पे धुआं वगैरह जो बनता है उसकी जो कालिक है वो देख सकते हैं आप चारों तरफ से। लीजिए अब हम अंदर माता रानी शेरावाली के दर्शन कर लेते हैं। देख सकते हैं बहुत ही पुराना और भव्य मंदिर है, वो माता रानी के हमने दर्शन कराए बहुत ही सुंदर और अच्छे तरीके से। यहाँ मित्रों अभी मैंने आपको मंदिर का परिसर पूरा जो मंदिर है सब कुछ मैंने आपको हर एक चीज़ को बारीकी के साथ दिखाया, और यहाँ पे जो मंदिर के सदस्यगण हैं जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने अध्यक्ष भी और सभी लोगों ने बहुत ही जो है हमारा सहयोग किया और पूरा मंदिर परिसर को हमारे साथ घूमकर हर एक चीज़ को बारीकी के साथ दिखाया, दर्शन कराया। तो मित्रों ये जो स्थल है बहुत ही पुराना और पवित्र स्थल है, सिद्धिपीठ है ये, माँ भद्रकाली के नाम से इन्होंने जो भी कुछ बताया लगभग 5000 वर्ष पूर्व है, जो कि महाभारत कालीन है। उस मंदिर को यहाँ पर पांडव लोग आते थे, पांडव कौरव लोग सब यहाँ का आकर माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इन्होंने भी यही चीज़ हमें बताई कि जो है यहाँ पर पांडव लोग आते थे और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करते थे। इसके बाद आप देख सकते हैं दूसरे वीडियो में इसकी जो कार्यशाला वगैरह जो भी है सब मैं आपको दूसरे वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो मित्रों अब मैं लेता हूँ विदा और कहता हूँ आपसे, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और जो है बेल का आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो मिलते हैं मित्रों नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।